आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या होता है और इस ऑटोमेटेड सिस्टम का एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि इंडस्ट्री किसको कहते हैं, ऑटोमेशन किसको कहते हैं और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन किसको कहते हैं। साथ में हम लोग देखे थे कि ऑटोमेटेड मशीन क्या होता है, उसका क्या क्या फैसिलिटी एंड क्या क्या ऐसा चीज होता है जो कि ह्यूमन नहीं कर सकता है। तो ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या होता है। तो जैसे कि नाम नाम से आपको समझ में आ रहा है कि वैसा कंट्रोल जो ऑटोमेटिकली होता हो, मतलब उसमें हमको कुछ बार बार करने का जरूरत नहीं पड़ता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोमेटिक कंट्रोल कहेंगे। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल जहां पे भी होगा तो वहां पे तीन कंपोनेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है। तीन कंपोनेंट्स कौन कौन सा होना चाहिए? सबसे पहला एक सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक कंट्रोलर होना चाहिए और तीसरा फीडबैक पाथ होना चाहिए। क्या क्या हम बोले, फर्स्ट में आपका एक सिस्टम होना चाहिए जिसको कि कंट्रोल करेंगे, उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक, और आउटपुट जो है आपका, आउटपुट आपका रेफरेंस के साथ में, मतलब जो हमको चाहिए उसके साथ में हमेशा कंपेयर करने के लिए हमको मेरे पास एक फीडबैक पाथ होना चाहिए। देखिए इसको हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले हम, एक सिस्टम होगा, सिस्टम, और हम लोग इसको बोल सकते हैं प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक। इसके पहले क्या होगा, कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये समिंग ब्लॉक है, मतलब यहां पे हम दो सिग्नल को सम कर सकते हैं, देखिए ये है आपका कंट्रोलर, ये सिस्टम जिसको कि हमको कंट्रोल करना है, ठीक, ये मोटर हो सकता है और जो भी हो जिसको कि हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसको हम लोग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। प्रोसेस मतलब जिसपे हमको प्रोसेस करना है, जो प्रोसेसिंग होगा। और ये जो वायर आप देख रहे हैं, ये वायर एक्चुअली नहीं है, ये वायर नहीं है, ये क्या है आपका, एक सेंसर है। क्या है, सेंसर है ये, एक्चुअली क्या है आपका, सेंसर है, सेंसर, ठीक। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या देते हैं, रेफरेंस इनपुट देते हैं, रेफरेंस इनपुट और सेट इनपुट भी बोलते हैं इसको, सेट इनपुट भी बोलते हैं इसको, ठीक। इसको जनरली हम लोग आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑफ टी, इनपुट के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि सपोज मेरे घर में एसी है, एसी है, एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर को ही कंट्रोल करना, तो कैसे वर्क करेगा, तो ये है आपका एसी जहां से हमको हवा मिलेगा, उसके अंदर में एक कंट्रोलर होगा, उसके अंदर में एक कंट्रोलर होगा और साथ में एक फीडबैक पाथ होगा जो कि सेंसर प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, सेंसर प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एसी को कंट्रोल करना है, तो एसी को कंट्रोल करने में हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो पावर सप्लाई देते हैं, उसमें पावर सप्लाई देंगे तभी तो ये एक्टिव होगा। अगर पावर सप्लाई हम नहीं देते हैं तो उसके पहले ये मानेंगे कि मेरा डेड है, ये काम नहीं कर सकता, इसमें हम कुछ भी करेंगे, रिमोट प्रेस करेंगे तो भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर तो है ही नहीं। इसको खाना पीना दीजिएगा तब ना ये तंदुरुस्त रहेगा, उसके बाद ये वर्क करेगा। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई देने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रिमोट से स्विच प्रेस करते हैं, उसके बाद एसी को हम लोग ऑन करते हैं, एसी को हम लोग ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम लोग क्या सेट करते हैं, रिमोट से क्या सेट करते हैं, टेम्परेचर। सपोज 26 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर सेट किए, तो जो टेम्परेचर हम सेट किए, जो टेम्परेचर हम सेट किए, वो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस इनपुट हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि रेफरेंस इनपुट आर ऑफ टी है, आर ऑफ टी में हम सेट कर दिए कितना, 26 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि मेरे हमको टेम्परेचर कितना चाहिए, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको चाहिए रूम का। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मेरा क्या होगा, मान लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस है, हॉट है रूम आपका,
डिग्री सेल्सियस है, तो 32 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल टेम्परेचर है मेरा रूम का अभी प्रेजेंट टाइम में, तो क्या होगा मतलब ये जो आउटपुट है एक्चुअली, मतलब सपोज हम एसी को ऑन किए, एसी को ऑन किए, तो ऑन करने के जस्ट बाद रूम का टेम्परेचर कितना रहेगा, 32 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 32 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मतलब एक्चुअल टाइम में अभी कितना है, प्रेजेंट टाइम में 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आपका, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तब ये जो सेंसर होगा, सेंसर सेंस करेगा कि रूम का टेम्परेचर कितना है, ठीक, रूम का टेम्परेचर सेंस करके ये रेफरेंस इनपुट को भेजेगा, रेफरेंस इनपुट को भेजेगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपस में एक दूसरे के साथ में कंपेयर होगा, क्या होगा आपका, कंपेयर करेगा कि हमको चाहिए कितना, 26 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर अभी कितना है आपके पास, 32 डिग्री सेल्सियस, तो देखेगा 26 और यहाँ पे 32, 26 माइनस 32 कितना हो गया, -6 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि हमको टेम्परेचर को अभी भी 6 डिग्री सेल्सियस को डिक्रीज करना है, 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या जनरेट करेगा, यहाँ पे एरर जनरेट करेगा, क्या जनरेट करेगा, एरर जनरेट करेगा। तो एरर को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो एरर इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज द डिफरेंस ऑफ रेफरेंस इनपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, क्या बोले हम, एरर इज इक्वल टू रेफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, तो इसको हम लिख सकते हैं रेफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट ध्यान रखेंगे, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है आपका, ठीक, रेफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट जो होगा मेरा क्या होगा, एरर होगा, और प्रेजेंट केस में अभी एरर कितना है आपका, -6 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो ये जाएगा कंट्रोलर के पास में, किसके पास जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा, कंट्रोलर जो सिग्नल प्रोवाइड करेगा सिस्टम को, मतलब पावर जो भी है कंट्रोल जो प्रोवाइड करेगा सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ -6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस मतलब 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को घटाने के अनुसार कंट्रोलर जो होगा सिग्नल भेजेगा किसको, सिस्टम को भेजेगा, ठीक। तो सिस्टम क्या अचानक से थोड़ी 26 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, 32 से कितना पे आएगा, 32 से कितना पे आएगा, 31 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि अचानक से जब हम एसी का रिमोट चेक करते हैं टेम्परेचर में 26 डिग्री सेल्सियस, तो अचानक से थोड़ी हो जाता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 32 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस पे आया, जब 31 पे आएगा तब इधर क्या हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस, फिर -5 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग जो होगा कंट्रोलर कंट्रोल सिग्नल भेजेगा किसको, सिस्टम को भेजेगा, फिर से आपका सपोज मान लेते 29 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, 29 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, उसके बाद इधर कितना हो जाएगा, 26, मतलब -3 डिग्री सेल्सियस का इधर आएगा, फिर से -3 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग कंट्रोलर जो होगा सिग्नल भेजेगा किसको, सिस्टम को, फिर से ये कितना पे आएगा, मान लेते 27 डिग्री सेल्सियस पे आया, फिर इधर कितना हो जाएगा, 26 माइनस 27, इधर कितना हो जाएगा, -1 डिग्री सेल्सियस। देखिए इधर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, और इरर को डिक्रीज करने के साथ साथ जो आउटपुट है मेरा वो आउटपुट कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, आउटपुट किस तरफ अप्रोच कर रहा है, रेफरेंस इनपुट के तरफ, किसके तरफ अप्रोच कर रहा है, रेफरेंस इनपुट के तरफ, रेफरेंस इनपुट कितना है, 26 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए अभी 27 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है, अब फिर से अभी भी तो इरर है ना -1 डिग्री सेल्सियस का, तो -1 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग कंट्रोलर जो होगा कंट्रोल सिग्नल किसको भेजेगा, सिस्टम को भेजेगा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है आपका 26.5 डिग्री सेल्सियस, 26.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो अब मेरे पास इधर कितना आ जाएगा, -0.5 डिग्री सेल्सियस, -0.5 डिग्री सेल्सियस, अब देखिए इधर कितना घट गया, इधर कितना घट गया, इसी तरीके से यहाँ पे फिर मान लेते हैं 26.1 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, इधर -0.1 डिग्री सेल्सियस का इधर होगा, ठीक। इसके बाद मान लेते हैं 26.0 डिग्री सेल्सियस पे सपोज आ गया, सपोज एग्जैक्टली तो नहीं होगा, 26.01 डिग्री सेल्सियस, तो इधर इस केस में कितना होगा, -0.01 डिग्री सेल्सियस,
इस केस में जो इरर है, ये इरर बहुत ही कम है, हमको 26 डिग्री सेल्सियस और 26.01 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो कंट्रोलर है, ये जो सिस्टम है आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो मेरा है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, ऑटोमेटिकली मेजर करते रहेगा कि आउटपुट कितना है और रेफरेंस इनपुट कितना है। ठीक, आप देखिए ऐसा तो नहीं, अगर ये रूम अगर कूल हो गया है, रूम अगर कूल हो गया है तो क्या होता है कि टेम्परेचर आपका मेंटेन रखता है, उसी जो हम सेट करते हैं टेम्परेचर को, उसी टेम्परेचर पे रूम, इसी टेम्परेचर पे रूम को मेंटेन रखता है। रूम को मेंटेन रखने का मतलब क्या हुआ कि हमेशा कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ इधर यहाँ पे आ रहा होगा, और इधर आपका कंट्रोलर में जाकर कंट्रोलर क्या कर रहा होगा कि कंट्रोल सिग्नल सिस्टम को भेज रहा होगा। जैसे कि अगर आप रूम में हैं, तो जब आप रूम में रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा, रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। रूम का टेम्परेचर बढ़ने का कोशिश करेगा, लेकिन एसी क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को घटाने का कोशिश करते रहेगा। तो क्या होगा कि एक स्टेबल पॉइंट पे, मतलब दोनों टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन रहेगा। रूम इधर से गर्म हो रहा है और एसी क्या कर रहा है, आपको कूल कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ऑटोमेटिक कंट्रोल जो होता है वो वर्क करता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो फीडबैक पाथ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक पाथ। ये जो है मेरा क्या है, फीडबैक पाथ है, फीडबैक पाथ, फीडबैक पाथ। अब देखिए ध्यान रखना है, जो हम लोग फीडबैक यूज करते हैं वहां पे साइन कौन सा लिए है, माइनस साइन लिए है। तो फीडबैक हमेशा, अगर सिस्टम मेरा स्टेबल है, अगर सिस्टम मेरा स्टेबल है, तब उसके लिए हम कौन सा फीडबैक यूज करते हैं, निगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। कौन सा फीडबैक यूज करते हैं, निगेटिव फीडबैक यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे प्लस ले लेते, सपोज प्लस ले लेते सपोज, तो स्टार्टिंग केस में कितना होता है, 26, और यहाँ पे 32, 26 + 32 कितना होता, 58 डिग्री सेल्सियस। क्या 58 डिग्री सेल्सियस का इरर है क्या यहाँ पे एक्चुअल, क्या हमको 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए क्या, नहीं चाहिए। ठीक, दैट मीन्स अगर यहाँ पे फीडबैक पॉजिटिव होता, फीडबैक अगर पॉजिटिव होता, तो इरर सिग्नल जो हमको मिलता वो मेरे आउटपुट के अकॉर्डिंग नहीं मिलता। मतलब जैसा हमको चाहिए कि आउटपुट 32 डिग्री सेल्सियस पे आना चाहिए, लेकिन अगर 58 डिग्री सेल्सियस का एरर जनरेट करता है, तब इस केस में कभी भी कंट्रोलर जो सिग्नल भेजेगा उससे सिस्टम का टेम्परेचर, मतलब सिस्टम जो होगा वो 32 डिग्री सेल्सियस पे कभी नहीं आ पाएगा। और जब 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 26 डिग्री सेल्सियस पे कभी नहीं आ पाएगा, जब 26 डिग्री सेल्सियस पे कभी नहीं आ पाएगा, दैट मीन्स उस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, तो अगर स्टेबल सिस्टम आपको रखना है, तब उस केस में फीडबैक कौन सा यूज करना है आपको, निगेटिव फीडबैक यूज करना है। क्लियर? और आप ध्यान देंगे कि इरर जो होगा, इधर जो होगा वो इधर कितना के बराबर होगा, रेफरेंस इनपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट के बराबर होगा। ठीक, तो ये आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल समझ में आ गया होगा। हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, कंट्रोल सिस्टम में आएंगे, तब वहां पे ओपन लूप सिस्टम भी पढ़ना है, क्लोज लूप सिस्टम भी पढ़ना है, तो वहां पे और भी डिटेल के साथ में डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन चलेगा ओपन लूप सिस्टम पे, क्लोज लूप सिस्टम पे। एक बार हम फिर से ये चीज बताएंगे अगले चैप्टर में, हम इस चीज को फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक, बट तब तक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब इसके बाद ऑटोमेशन का क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है उसको हम लोग देखेंगे। तो ऑटोमेशन का जो एडवांटेज है मेरा, वो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि प्रोडक्शन रेट और प्रोडक्टिविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे कि अगर हम कोई भी काम मशीन से करेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम से करेंगे, तो प्रोडक्शन रेट उसका क्या होगा, कंपेयर टू ह्यूमन उसका रेट बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक, तो ये मेरा एडवांटेज है किसका, ऑटोमेशन का। ठीक, उसके बाद अगर सेकेंड पॉइंट जो आपका है कि मटेरियल जो क्या होगा, इफिशियंटली यूज होगा, इफिशियंटली यूज होगा। आप लोग देखते होंगे कि जब हम कोई भी काम मशीन से करते हैं तो बर्बाद बर्बाद वाला जो मटेरियल होता है बहुत ही कम होता है, स्क्रैप वैल्यू उसको बोलते हैं, स्क्रैप। स्क्रैप मतलब रद्दी, रद्दी जो बचता है मेरा जब हम मशीन से कोई काम करेंगे, तो रद्दी जो बहुत कम निकल के बाहर आता है,
लेकिन अगर आप उसी को आप मैनुअली करेंगे तो उस केस में आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से डिजाइन किया जाए सच दैट रद्दी जो निकल के आए मेरा वो कम निकल के आए। तो ये मेरा एडवांटेज है ऑटोमेशन का कि अगर हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम का अगर हम लोग यूज करते हैं, तो वहां से स्क्रैप वैल्यू जो होगा वो कम होगा। अब मटेरियल क्या होगा, एफिशिएंटली यूज होगा, एफिशिएंटली यूज होगा। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपका है, प्रोडक्ट इज बेटर। ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है, अगर हम मशीन से कोई भी काम बनाएंगे, कोई भी चीज बनाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बेटर तरीके से तैयार होगा। ठीक, फोर्थ नंबर है सेफ्टी इज इंप्रूव। देखिए अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, अगर आप सावधानी पूर्वक करते हैं, अगर आप सावधानी पूर्वक करते हैं, तो मशीन से वो काम मेरा क्या होगा कि सेफ्टी वहां पे इम्प्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मकान का खुदाई कर रहे हैं या उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, अगर आप वहां पे जाकर के आप उसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है ऐसा कि कुछ आपका पैर फिसल जाए या कहीं से कुछ हो जाए जिसकी वजह से आप गिर जाए, तो वहां पे आपका गिरने का जो पॉसिबिलिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमको मशीन से तोड़ना है, उसको तुरंत वहां पे लगाएंगे और तुरंत जेसीबी लगा देंगे, तुरंत और तोड़ करके खत्म कर देगा, तो वहां पे आपको कुछ डरने का या वहां पे किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचने का कोई बात नहीं है जब हम लोग ऑटोमेशन का यूज करेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम का जब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट रिक्वायर शॉर्टर वर्क फॉर लेबर एंड रिड्यूस फैक्ट्री वर्किंग टाइम। ठीक, अगर हम मशीन से काम करें तो वर्कर जो होगा वो कम समय के लिए काम करेगा, उसको ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको ज्यादा मतलब कि समय नहीं लगेगा उसमें। ठीक, और साथ में क्या हो जाएगा कि फैक्ट्री का जो वर्किंग टाइम है, जैसे कोई भी अगर प्रोडक्ट मेरा 10 मिनट्स में एक प्रोडक्ट रेडी हो रहा है, मशीन से करेंगे तो 1 मिनट में हो जाएगा और उससे भी कम में हो सकता है, तो फैक्ट्री का जो वर्किंग टाइम होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर वर्कर 10 आवर्स वर्क कर रहा है और वही काम को अगर हम मशीन को दे दिए तो 3-4 घंटे में करके कंप्लीट कर देगा। ठीक, तो ये मेरा क्या है, एडवांटेज है, और उससे फैक्ट्री का फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। नहीं, फैक्ट्री का क्या होगा, अल्टीमेटली फायदा भी ज्यादा होगा। हम लोगों को अल्टीमेट क्या चाहिए कि फैक्ट्री से जो हो रहा है वो मेरा प्रॉफिट जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। हम वहां पे वर्कर यूज करें या मशीन यूज करें, हमको वो मैटर नहीं करता, उससे प्रॉफिट हमको ज्यादा लेना है, प्रोडक्शन रेट ज्यादा लेना है और क्वालिटी अच्छा लेना है। इतना कुछ अगर चाहिए तो दैट मीन्स वर्कर, अगर वर्कर उस काम को करेगा तो वो चीज तो नहीं मिल पाएगा, उसके लिए तो हमको मशीन को ही लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विथ लेस वेरिएबिलिटी देन ह्यूमन। तो जो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट के बीच जो वेरिएशन होगा, जहां मशीन से काम करेंगे, ऑटोमेशन का जब हम वहां पे यूज करेंगे, तो दो प्रोडक्ट के बीच में वेरिएशन कम देखने को मिलेगा, लेकिन वही काम अगर ह्यूमन करेगा तो बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी देखने को मिल सकता है, दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ठीक, तो उसमें आप जब मार्केट में जाएंगे खरीदने के लिए तो आप कंपेयर करेंगे कौन वाला अच्छा है कौन वाला खराब है, दो को कंपेयर करके जो अच्छा होगा उसको लेंगे, बाकी जो लोग आएंगे वो लोग भी वैसे ही करेंगे, तो जो खराब वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, हमारे दुकान में ही रखा जाएगा, उसके बाद उसका अगर सेल नहीं होगा तो फिर से वो कंपनी के पास वापस चला जाएगा, तो कंपनी उसको उतना मेहनत करके बनाया फिर से कंपनी के पास वापस आ गया, मतलब उससे कोई प्रॉफिट उसका नहीं हुआ, तो नुकसान हो गया फिर। तो वेरिएबिलिटी आपका कम हो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑटोमेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद दिस एडवांटेज क्या है, हर एक चीज ऐसा है इस यूनिवर्स में जिसका कि एडवांटेज भी है और साथ में डिसएडवांटेज भी है। अगर हम कहीं पे भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला वो ह्यूमन को इफेक्ट करता है, सबसे पहले किसको इफेक्ट करता है, ह्यूमन को इफेक्ट करता है। हम लोग का देख रहे हैं कि अभी का जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ जो है, पहले के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डाउन हो गया, बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो किस वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं वो आपका कभी प्योर हम लोगों को फूड नहीं मिल रहा है, जो कुछ भी मार्केट से लेकर के आ रहे हैं सभी में सभी क्या है, मिक्सिंग है। तो इस वजह से अगर हम देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है इस ऑटोमेशन का, ऑटोमेटिक सिस्टम का और इस डेवलपमेंट का। ठीक है,
तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्कर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब हम इंडस्ट्री खोलेंगे तो कोई बड़े शहर में खोलेंगे, और जब बड़े शहर में खोलेंगे तो वहां पे क्या चाहिए, काम करने के लिए वर्कर चाहिए। तो वर्कर लोग कहाँ से आएंगे, जो लोग बेरोजगार हैं। गांव में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो सोचते हैं बाहर जाकर के कुछ काम, जाकर के देखेंगे वहां पे काम मिलेगा तो काम करेंगे। तो उससे क्या हो रहा है कि वर्कर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम वन वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक, और साथ में ही ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की बहुत सारे लोग बेरोजगार ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन जब आप कंपनी जाते हैं तो कंपनी में आपको सही सही पैसा नहीं मिल पाता है, सही पैसा नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि तो आपको तो ज्यादा काम करना नहीं है, मशीन वहां पे ऑलरेडी है। जब मशीन आपका ऑलरेडी रहेगा तो ऑफ कोर्स वर्कर को काम कम होगा, और जब वर्कर को काम कम होगा तो उसको पैसे भी कम मिलेंगे, और जब पैसे कम मिलेंगे तब सोचेंगे कि हम उतने दूर से आए यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, बट हमको यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहा। तो इससे क्या होगा कि इमोशनल इमोशनल स्ट्रेस होगा, कि हम मतलब इमोशनली ऐसा रियलाइज होगा कि मेरे को जो पैसा है अकॉर्डिंग टू जो हम थिंक किए तो हमको नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ऑटोमेशन का डिसएडवांटेज है। इसके बाद सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, हाई इनिशियल एक्सपेंडिचर। देखिए, अगर हम मशीन को कहीं पे भी प्लेस करेंगे, मशीन को हम कहीं पे भी प्लेस करेंगे, किसी कंपनी में लगाएंगे, इंडस्ट्री में लगाएंगे, तो ऑफ कोर्स इनिशियल कॉस्ट जो उसका होगा वो क्या होगा, कंपेयर टू वर्कर जो होगा बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि एक एक मशीन का लाखों करोड़ रुपीज प्राइस होता है। ठीक, तो उसमें हमको इनिशियल ये एक्सपेंडिचर जो होगा बहुत ही ज्यादा होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगा हमको बहुत ही ज्यादा करना होगा। लेकिन जो उसका रनिंग कॉस्ट होगा, रनिंग कॉस्ट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक बार तो पैसा हम स्टार्टिंग में लगा ही दिए, रनिंग कॉस्ट आपका उस केस में क्या होगा, कम पड़ेगा। और प्लस अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है मेरा, ऑटोमेशन हम वहां यूज किए हैं, उसका मेंटेनेंस भी क्या होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस का जरूरत होना चाहिए। ठीक, तो इसमें भी हर मशीन को इस तरीके का रिक्वायरमेंट हो सकता है कि अगर कुछ खराबी आया तो उसको मेंटेनेंस करना पड़े, हमको प्रॉपरली मेंटेनेंस करना पड़े। अदरवाइज अगर एक मशीन रुक जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रोडक्शन रेट डिक्रीज कर जाएगा, उससे कंपनी का कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो उसको एट ए टाइम, टाइम टू टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अच्छा, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि हम लोगों को इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर पढ़ने का होता है, डीसी मशीन पढ़ने का होता है, इंडक्शन मोटर पढ़ने का होता है, सिंक्रोनस मशीन पढ़ने का होता है, बहुत तरह का मशीन होता है, उसमें से कौन सा ऐसा मशीन है, कौन सा ऐसा मशीन है जिसमें कि सबसे ज्यादा मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, और कौन सा ऐसा मशीन है जिसमें कि लिस्ट मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। हमें कमेंट करके बताएंगे कि कौन तो ऐसा मशीन। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर जो पॉइंट है आपका, पोटेंशियल रिस्क विथ ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी। पोटेंशियल रिस्क मतलब क्या हुआ कि अगर हम मशीन कोई काम कर रहा है तो उसको देखने के लिए, या टाइम टू टाइम सपोज प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है तो उसके लिए कुछ काम जो होता है वर्कर को दिया जाता है, वर्कर को दिया जाता है। तो अगर वर्कर सावधानी पूर्वक नहीं करेगा, अगर उस काम को वर्कर सावधानी पूर्वक नहीं करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, उसका पोटेंशियल रिस्क मतलब उसका जान खतरे में जा सकता है। ठीक, बहुत बार ऐसा सुने हैं कि कंपनी में क्या हुआ, किसी मशीन के अंदर उसका हाथ चला गया, हाथ कट गया, पैर चला गया, पैर कट गया, कोई उसका कभी कभी उसका जान चला गया। तो इस तरीके का रिस्क जो होता है ऑटोमेशन में हमेशा बना हुआ रहता है। तो जब भी हम ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेशन में, अगर हम वहां पे कोई काम मशीन अगर कर रहा है, जब हम वहां पे प्लेस हो, हम वहां पे हो, तो वहां पे हमको सावधानी पूर्वक रहना है ताकि हम लोगों का पोटेंशियल रिस्क कम हो। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है आपका, इट अफेक्ट्स इन्वायरमेंट। जाहिर सी बात है, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जैसे हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में बहुत टाइप का रेडिएशन आता है, सिग्नल आता है, वो हम लोगों के थ्रू से भी होकर के पास करता है, हम लोग के थ्रू से होकर के पास करेगा तो क्या होगा, हम लोगों को अफेक्ट करेगा। ठीक, क्योंकि तो हम लोगों का भी जो न्यूरॉन्स होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उससे क्या होता है, बहुत ही प्रभावित होता है। तो अल्टीमेटली अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक, बहुत ही कम ऐसा सिस्टम, जैसे सोलर अगर हम यूज कर रहे हैं तो सोलर के लिए तो उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है,
लेकिन डिसएडवांटेज भी है क्योंकि उसको डिजाइन करने के लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। बट वहां पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मेरा क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो बहुत कम ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सिस्टम, मोस्ट ऑफ द ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है मेरा, इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ये यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट जो था, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, वो आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं था, इसमें कुछ आपको मैक्सिमम थ्योरी पोर्शन ही पढ़ने का था, थ्योरी पोर्शन ही पढ़ने का था जो कि आपको एग्जाम में पूछेगा। तो एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको पॉइंट तो याद होना चाहिए, तो पॉइंट अगर याद रहेगा तभी तो आप लिख पाएंगे। एक मार्क एक क्वेश्चन भी आ सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। इसलिए हम सारा पॉइंट जो है डिस्कस किए आप लोग के सामने। और नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ने का है आपका कंट्रोल सिस्टम, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक। तो उस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, और जितना कुछ होगा उससे हम ज्यादा ही बताएंगे, जो पढ़ने का आपको दिया हुआ है सिलेबस में उससे ज्यादा हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इवन इसके बाद जितना सारा चैप्टर है हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम जो चीज आपको चाहिए और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चाहिए वो हम साथ में डिस्कस करते चले हैं, ठीक है। और जो लोग एडमिशन नहीं करवाए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी ही एडमिशन करवा लें, क्योंकि हम क्लास नहीं रोकने वाले हैं एट एनी कंडीशन, ठीक। और देखिए, अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर आता है तो उस बीच क्लास स्टॉप हो सकता है कुछ दिनों के लिए, बट ऐसे मेरा जो क्लास है 19 से स्टार्ट होना था, 19 से स्टार्ट हो चुका है, आज आपका सेकेंड क्लास है। कोशिश होगा कल भी आपका लेक्चर आएगा और रेगुलर क्लास इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, ताकि आप सबको पता चले कि क्लास जो है रेगुलर चल रहा है और आप किसी भी क्लास को मिस ना कर सके, ठीक है।